नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में लावारिस मृतकों की आत्मा की शांति हेतु भारत रक्षा दल द्वारा किए जाने वाला पिंडदान तर्षण व श्राद्ध पूजा का कार्य इस वर्ष भी स्थानीय राजघाट शमशान घाट पर तमसा नदी के किनारे विपिन मिश्रा के निर्देशन में पारवर श्राद्ध पूजा विधि से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले भर में लावारिस मृतकों का दाह संस्कार इसी घाट पर किया जाता है। अभी तक 614 लावारिस मृतकों का दाह संस्कार हो चुका है। उसी क्रम में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी अनजान अपरिचित मृतकों की आत्मा की शांति हेतु यह कार्य प्रत्येक वर्ष प्रतिपक्ष में किया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूजा के बाद ब्राह्मण भोज दान दक्षिणा का भी कार्य किया जाता है। इस कार्य में कुछ पदाधिकारी मृतकों के वारिस की तरह कार्य करते हैं। इस कार्य के साथियों को आत्मिक शांति मिलती है और लगता है कि हम सब ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। आज के पिंडदान में वारिस के रूप में जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, तहसील अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मौर्य, मणिराम प्रसाद, प्रदीप चौहान, शक्ति शरण पंत, जैनेन्द्र चौहान, आरपी श्रीवास्तव ने तर्पण पूजन पिंडदान किया। इस पूजा के बाद सामूहिक भोज दल के कटरा कार्यालय पर कराया गया। इस अवसर पर संगठन के सुनील वर्मा, डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, जावेद अंसारी, प्रदीप मौर्य, हिमांशु सिंह, रमाकांत यादव, धर्मराज, गोपाल प्रसाद, राजन अस्थाना, सचिन जायसवाल, धनंजय अस्थाना आदि कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।